ओल्ड एज में आपके पास अकाउंट बैलेंस मोटा होगा आज के इस अडोन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में वी हैव हाँ ममता सिंधु मैम आज का ये एपिसोड अडोन टॉक्स का सबसे स्वीटेस्ट और मेरा पर्सनली फेवरेट एपिसोड है बिकॉज हमने इतनी ज्यादा डेप में माता रानी की बात करिए हमने दुर्गा माँ की बात करिए हमने दस महाविद्या की बात करी है हमने दुर्गा स्तुति की बात करिए हमने, हमने, हमने जाना है माँ के सारे दस अवतारों के बारे में कैसे माँ आपकी हेल्प करती हैं कैसे आप इनकी पावर्स लेके ब्लेसिंग्स लेके अपनी जिंदगी में चीजें सुधार सकते हैं अभी वैसी गुप्त नवरात्रों का टाइम है और ये सबसे अच्छा और पावरफुल और हाई एनर्जी वाला टाइम है आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने का पर्सनली मैंने इतना डेप्थ में इस पॉडकास्ट को फील किया ममता मैम से हमने इतनी ज्यादा उनकी पर्सनल स्टोरी जानी और कैसे आप लोग माँ की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं हमने पूरी दुर्गा माँ और दस महाविद्या की स्टोरी जानी है जो इस पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और ममता मैम के बारे में मैं क्या ही बताऊं शी इज अ फेस रीडर पर्सनालिटी रीडर उन्होंने मेरे फेस को देख के इतनी सारी चीजें बताई और हमने आपके फेस की बात करी है हमने जाना है अगर आपका फेस गोल है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है अगर आपके फेस पे तिल है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है अगर आपके फेस पे नहीं नेक के आसपास तिल है बैक पे तिल है और ये सारी चीजें हमने आपके बारे में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करी है दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू दिस पॉडकास्ट

सबसे पहले तो हमारा ऐसे रहता है कि ऑडियंस को आप बताओ कि आप एग्जैक्टली exactly करते क्या हो। उसके बाद आई पुट माय क्वेश्चंस एंड पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था थैंक यू <laughs> इतनी ज्यादा ऑसम स्टोरीज मतलब मैं सुन के ही ना इतना एंगेज हो गया था मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या ही एक्सपीरियंसेस है आपके और बचपन से स्पेशली सो so, हम थो, थो, थोड़ा सा बात करेंगे उनके बारे में बट आई वन नो बहुत सारे टॉपिक्स से जो हम मैंने लिखे हुए हैं सो so, उससे पहले थोड़ा सा आप ऑडियंस को बता दीजिए Uh, मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ और काफी टाइम से कर रही हूँ मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ जो कि बेसिकली पर्सनालिटी रीडिंग है जी। कि इंसान कैसा है ट्रस्टवर्दी है है कि नहीं इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है बहुत कुछ जो भी एक आम इंसान जानना चाहता है दूसरे के बारे में वो पर्सनैलिटी रीडिंग एंड जो अभी मैंने स्टार्ट किया है मैं आकाशिक टैरो भी करती हूँ एंड मैं काउंसलिंग भी करती हूँ काउंसलिंग जैसे कुछ लोगों का होता है कि उन्हें ड्रीम्स uh, कैसे आ रहे हैं कि उन्हें उन्हें बहुत कुछ दिख रहा है उनकी intuition इतनी strong है उनकी इतनी पता करती hmm. जी। okay. और आपने इन सारी कैटेगरीज में आने का कैसे सोचा बस ब्लै सिंह मानती हूँ क्योंकि मैं, क्यों मैं नॉर्मल एक कहते हैं ना नॉर्मल जिंदगी चल रही थी hmm. और धीरे धीरे इस मुझे लगता था कि मैं कुछ और को तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैं कुछ और किसी साइड इंटरेस्ट ही नहीं जा रहा था जिसे कहते हैं ना बस जब कुछ ऐसा होता तो बहुत ही एक अलग से आता था कि मुझे ये चीज मुझे बुला रही है खींची चली जा रही हूं मैं तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था कि पता नहीं क्या होगा आकाशिक रीडिंग में कहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा कुछ भी नहीं पता था बट जब सीखा क्योंकि मैं मेडिटेशन करती थी तो जब सीखा तो बहुत जल्दी रिकॉर्ड्स ओपन होने स्टार्ट हो गए तो Easy वो हाँ मेरे लिए मतलब टचवुड बहुत इजी रहा बहुत अच्छा रहा हाँ। और फिर अगर कोई तो नॉर्मल बंदा करता है तो उसको कितना टाइम लगता है रफली आपको क्या लगता है देखिए अगर वो मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहा है तो उसको टाइम नहीं लगेगा अगर उसके सेवन चक्र एक्टिवेट है उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में है उसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में है तो उसे टाइम नहीं लगेगा जैसे आप मैंने आकमन की मेरा एकदम से ध्यान यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कुछ नहीं सोच रही हूँ लेकिन अगर मैं किसी और से कहूंगी हाँ। तो आंख बंद करते तो उनको ये लगेगा कि यार बॉस ने ये कह दिया घर जाना है हाँ। बहुत कुछ वो कंट्रोल नहीं मतलब हाँ, करके और ज्यादा और ज्यादा और ये लगेगा कि एक घंटे के बाद क्या करना है अभी क्या किया था मतलब बहुत कुछ पर मैं सब सोच के मेरा एकदम से यहाँ ध्यान आ जाता है कि सब खत्म तो ये है अगर आप मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं बहुत ही इसमें प्रो हो चुके हैं तो आपको आकाशिक सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए हैं आपने मेडिटेशन कभी नहीं किया है और एकदम से आप आकाशिक सीख रहे हैं तो भी जो आपका टीचर होगा जो भी आपको गाइड कर रहा है वो यही कहेगा कि पहले तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए उसके बाद इस प्रोसेस में आइए तो छह महीने मिनिमम आपको मेडिटेशन करना ही करना है कोई भी मेडिटेशन हाँ। जो आप कंफर्टेबल हो हाँ जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर सके

अवतारों के बारे में बहुत सारे मेरे अंदर ना ऐसे पटा रहे हैं क्वेश्चन के बट हम स्टार्ट करते हैं दुर्गा स्तुति से जी की वो क्या होते हैं एक बार आप ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कीजिए और इसको इलाबोरेट कीजिए दुर्गा स्तुति तो देखिए जो दुर्गा को माँ दुर्गा को जो पूछते होंगे ना उनके घर में आपको दुर्गा स्तुति मिल ही जाएगी जी दुर्गा स्तुति जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें दुर्गा कवच दुर्गा कवच दिया हुआ है अगर एक इंसान डेली दुर्गा कवच पढ़ लेता है तो आपका और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको आ, कोई छू भी नहीं सकती है कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक तो बहुत दूर की बात है कुछ भी नहीं हो सकता है बहुत स्ट्रांग क्योंकि उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि हमारी हर एक चीज में देवी है ओके अगर मैं खड़ी हूँ मेरे माथे में हर जगह माथे पर माँ जैसे वैष्णो माता यहाँ कहीं जाती है जीप पर माता सरस्वती है नैनो में माँ नैना देवी मतलब हर जगह आपके हर जगह माँ देवी है ओके okay. तो आपको अगर आप डेली दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं ना तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है कहीं डरने की जरूरत नहीं है हुँ. वो आपका और इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप सामने वाले को फील हो जाएगा कि कुछ तो है हुँ. कुछ तो इनके और में है दूसरा दुर्गा स्तुति में तेरा अध्याय है जैसे और हर अध्याय में आ, उन्होंने जो असुरों का महिषासुर चंड मुंड जिनका भी विनाश किया जिनको भी खत्म किया वो सब डिटेल में बताया गया है वहीं से मतलब माँ दुर्गा का जैसे माँ दुर्गा जो है वो पहले एनर्जी के फॉर्म में थी बट जो उनका रूप जो आया उनके हाथों में हथियार शेर ये सब कहा से कैसे आया वो उसमें बताया गया है पूरा डिटेल में और अगर आप देखेंगे तो उसमें एक और चीज है उनके 108 नाम है तो एक बार है ना माँ सती महादेव से बोलती हैं कि आ, मेरे जो 108 नाम है आप मुझे ये बताओ कि इनको पढ़ने से क्या होता है तो महादेव कहते हैं कि जो तुम्हारी एक सौ ना, आठ नाम की जापमाला है अगर मनुष्य है तो जो पूरा दुर्गा पढ़ के जो उसको आशीर्वाद मिलेगा ना वो सिर्फ एक, इस, एक इसको पढ़ने से मिल जाएगा वो एक पेज है बस 108 नाम हाँ लेकिन 108 नाम में जो शक्ति है वो पूर, पूरी दुर्गा से निकले है दुर्गा स्तुति पढ़ने में कितना टाइम जाता है देखिए डिपेंड करता है अब जैसे मैं आ, तो, जो तो मैं तो उसमें याद हो गई है मुझे हाँ। तो आ, उसका हिंदी वर्जन भी आता है और संस्कृत भी है और अगर आप ऐसे पढ़ रहे तो एक घंटा तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक घंटा लग जाएगा आपको ओके जी। अच्छा हम मतलब जितना मैंने समझा है हम लोग नवरात्रों में माता रानी को पूछते हैं जी। और मैं मैंने बहुत जगह देखा तांत्रिक एक्टिविटीज में भी माँ को पूछा जाता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है लाइक like, दोनों में क्या डिफरेंस है नवरात्रों में जिन नौ देवियों के रूप को पूजा जाता है जी। वो सात्विक कहते हैं कि उसमें आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए आप भक्त हैं मैं भक्त हूँ जैसे मैं नवरात्रि पूजा करती हूँ तो हु मैं तो सीधा एक इंसान आम इंसान जो है जो तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता है वो तो कह देगा माँ मुझे मैं समर्पित हो गया हूँ संभाल लो आपके वो रूप हैं, उनकी पूजा कर लो बस जो तांत्रिक रूप है उसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत है ओके। विदाउट गाइडेंस आप नहीं कर सकते नहीं। उसमें आपको कोई गाइड करने वाला कोई बताने वाला चाहिए जैसे उनके द, द, दस महाविद्या जो है जो तांत्रिक रूप है उनके उसमें आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए विदाउट गाइडेंस अगर आप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं मान लिए आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं जी। और आपको रिजल्ट आपको एक हफ्ता हो गया है उनके तंत्र उनके मंत्र का जाप करते हुए कर, उनका नाम लेते हुए और माँ काली आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगी सपने में कैसे ना कैसे आपको दर्शन देने लग जाएंगे एक आम आदमी नहीं झेल पाएगा उनके रूप को जो आ, मतलब मैं मानती हूँ कि जो तस्वीरों में और जो दिखाया जाता है क्योंकि मैं रिकॉर्ड्स में देखती हूँ मुझे माँ काली बहुत बार दर्शन देती है तो जो उनका रूप है ना मैं मैं ऐसे हिल जाती हूँ पूरी कैसा रूप है पूरा नग्न वस्त्र उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है हाँ गले में माला है जीभ जो है ना इतनी लंबी और खून से और वो मुस्कुराती हैं और लंबे मतलब आप जितना भयानक सोच सकते हैं ना वो उतनी भयानक हैं आप नहीं झेल सकते उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है नहीं झेल सकते आप एनर्जी बहुत स्ट्रांग है वो बिल्कुल ऐसे दिखती हैं तब आपको सपने में दर्शन दिया सपने में नहीं रिकॉर्ड्स में दिख जाते हैं एक, अच्छा। मतलब एक माँ काली के भक्त थे, वैसे वो सिक्स थे उनका जो सरनेम था ना लास्ट में सिख सरनेम था वो मैं बता नहीं सकती हूँ तो उनकी जब रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो मुझे लगा कि सिख फैमिली से हैं तो ओपन हुए तो एकदम से माँ काली एक होता है ना कि ऐसे दर्शन दिए तो मैं एकदम से जब ऐसे कुछ होते हैं तो थोड़ी सी मेरी मैं भी हिल जाती हूँ कि ये तो बहुत ही चमत्कार हो रहा है तो मैंने आंख खोल के और मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि आप मुझे ये बताइए आप क्या है हैं। क्योंकि मुझे माँ काली दर्शन दे रही है हैं। और आपका नाम चाहता आप है हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि माँ मैम मा, मैं माँ काली की पूजा करता हूँ मुझे बचपन से वो दिख रही है और मैंने इसलिए आ, मतलब हिंदू धर्म को अपना लिया क्योंकि मुझे दर्शन दे रही है, कुछ मेरा है। फिर उनका वो, वो मेरे पास आए और उनके उन्होंने कहा कि उन्होंने कि मेरे ओपन और मुझे बताइए मुझ कि मुझे किसकी ब्लेसिंग है ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ था तो मैंने उनको बताया कि जैसे मुझे आपके रिकॉर्ड्स में माँ काली दिख रही है तो उन्होंने बताया फिर उन्होंने थोड़ा सा बताया कि हाँ मैं माँ काली के बचपन से उनके साथ जो होता था कि उन्हें आवाज सुनती थी जैसे आप आप बैठे हैं और आपको एकदम से कुछ आवाज सुन जाएगी जो हमें नहीं सुन रही है उनके ऊपर वो ब्लेसिंग थी तो उन्होंने कहा था मुझे ये जानना है कि मुझे ऐसे क्यों सुन जाता है क्या ये आम बात है क्योंकि वैसे तो काउंसिलिंग के लिए आए थे बट उन्होंने रिकॉर्ड भी ओपन करवाए थे तो उसने कहा कि क्या ये नॉर्मल है जैसे सुन जाना मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल मतलब अगर आपकी ब्लेसिंग आपके रिकॉर्ड्स में देखेंगे जब उनके रिकॉर्ड में चेक किया तो पास लाइफ में वो बहुत ही सुंदर एक लेडी थे मतलब ये मानिए वो जो अभी इस लास्ट जो बर्थ था उसमें फीमेल थे वो ठीक है और उनको उनके इनलॉज की तरफ से घर से निकाला हुआ था हाँ। वो एक्सट्रीम सुंदर एक्सट्रीम जैसे कहते हैं ना अप्सरा वैसे इतनी सुंदर उनको घर से निकाला हुआ था वो बहुत कहते हैं बहुत सालों तक ऐसे ही घूमे हैं लास्ट में वो जाके तपस्या करने लग गई जब उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने माँ को माँ की तपस्या की थी और दुर्गा अवतार ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम क्या चाहते हो तो उन्होंने दो ही चीज मांगी हुई अपने जन्म में एक तो मुझे ये रंग रूप नहीं चाहिए इसकी वजह से मुझे धक्के लगे हैं अच्छा। मैंने उनको बताया हाँ। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके आपको मैं भूल ना जाऊं आपकी ब्लेसिंग हर जन्म में जाऊ आप तो मैंने उनको बताया हाँ। तो वो कहते हैं, हाँ मैम बचपन से मेरे फेस जो है ना वैसे तो ऑब्वियसली अगर जो होते हैं सिख होते हैं उनके फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं हाँ। बड़ी आंखें और वैसे बहुत सुंदर और तो मैं तो बोले मैम मेरे फेस वैसे बहुत सुंदर है बट मेरा एक है स्किन इशू है मैंने हर जगह ट्रीटमेंट करा लिया कोई इलाज नहीं है

ऊपर वाले पे छोड़ दो मांगो ही मत कुछ हाँ। आप देख लो जो सही है वो दे दो जो नहीं सही है उसे हटा दो बस अगर आप कुछ मांगोगे आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या पता इसी चीज की जरूरत पड़ जाए हाँ। और उल्टा ही <laughs> है जैसे मान लीजिए हाँ। कोई जंक फूड खा रहा है कह रहा है अगले जन्म में मुझे ये जंक फूड मत देना हाँ। और क्या पता अगले जन्म में उसी की जरूरत हो और मिल ही नहीं रहा मिल ही नहीं रहा है भूखा मर रहा है बेचारा जी होटा ओके सो जैसे अब हम जैसे मेरे को भी दर्शन दे सकते माँ ऐसे भी होता है कि जैसे लोग आपके पास आ रहे हैं कि मैम हमें भी माँ से मिलना है या माँ काली के दर्शन करने हैं दुर्गा माँ के दर्शन करने हैं तो ये चीज पॉसिबल है ऐसे ऐसे तो नहीं होता है कि अगर आप कहेंगे कि आज ही मुझे दर्शन करने हैं आपको उनको वो मान पूजा है हाँ वो मां शक्ति है हाँ। पूरे ब्रह्मांड की माँ है वो जी जिनके आगे शिव विष्णु मतलब ऐसे हाथ जोड़ के ब्रह्मा शिव विष्णु ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं वो कितनी महान है आप ये सोचिए आप कहेंगे कि मुझे दर्शन दे दो ऐसे तो वैसे नहीं उनके लिए आपको प्रोसेस पूरा प्रोसेस है जैसे मैंने बताया ना जो सात्विक जो नवरात्रों में जो करते हैं इनका ये है की आपको बहुत टाइम बाद दर्शन होंगे बहुत टाइम बहुत टाइम लगता है क्योंकि आप कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आपने आज पूजा की और कल आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें दर्शन आपको धीरे धीरे होगा पूजा हाँ लेकिन जो तांत्रिक पूजा जो है उसमें अगर आप करेंगे आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे लेकिन उनको संभालने के लिए आपके अंदर वो होनी चाहिए इसलिए कहते हैं गुरु की उसमें जरूरत है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरु आप किसी जाके तांत्रिक को आप पकड़ लीजिए कि मुझे सिखाओ नहीं गुरु वो है जो आपको गाइड कर सके वो कोई भी हो सकता है जो आपको बता सके कि ये मंत्र करने से आपको इसके क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे कितने टाइम बाद मिलेंगे आपको कैसे अगर माँ दर्शन दे रही है तो कैसे संभालना है ये सब बताया जाएगा गुरु ही आपको वो गाइड कर सकता है आप मंदिर जाप कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि कहाँ रुकना है कितना जाप करना है अगर हम बिना गुरु के करते हैं जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख लेते हैं पॉडकास्ट से भी देखना स्टार्ट कर देते हैं सो अगर हम वो करते हैं तो क्या वो उल्टा भी पड़ता है अगर आप तांत्रिक वे में पूजा कर रहे हो वो इंसान देखिए वो झेल नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे लोग उनके दिमाग ही संतुलन बिगड़ जाता है परेशानी है। बहुत ही एक्सट्रीम पावरफुल है आप नहीं संभाल पाएंगे माँ भैरवी है माँ धूमावती है माँ धूमावती जैसे हैं दस महाविद्याओं में आप दस महाविद्या बताइए अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए जैसे पहली है माँ काली माँ काली सब जानते हैं माँ तारा हाँ। जो उनका जो रूप है वो बहुत ही जैसे माँ काली का जो समय है ना वो रात के लेके सुबह सूर्योदय तक है ओके जब सूरज उगता है वो माँ तारा का समय है ठीक है बहुत ही जैसे कहते हैं कि येलोइश जो ठंडक सी जो आपको देखकर कर ठंडक हाँ। मिले हाँ। सुंदर और शांत वैसे वो उनका रूप है और इनकी जो खास बात यह है की बौद्ध धर्म में भी बहुत ही आज के समय में बहुत लोकप्रिय देवी है बौद्ध धर्म में भी इनको पूजा जाता है तीसरी है माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोक में जो सबसे सुंदर है जिन्हें देख के आप देखते ही रह जाओ वो है मा त्रिपुरा सुंदरी चौथी है माँ भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी भू का मतलब भूलोक और ईश्वरी जो ये मानिए दुनिया की मालकिन है दुनिया की मालकिन तो बहुत छोटा है ब्रह्मांड की मालकिन है जो जो चला रही है अपने बलबूते पे वो भुवनेश्वरी माँ है पांचवी जैसे भैरवी भैरवी माँ जो है ये भैरव जी की पत्नी है और इनका रूप भी जो है बहुत ही रूप है। इनके शरीर पे लगा होता है। और, जटाएं ऐसे फैली और इनकी जो, खास बात जो है आप इनकी प्रतिमा देखेंगे तो ऐसे दिखेगा तो इनका बहुत ड्रावना अगर ये आपको दर्शन देंगे आप नहीं संभाल पाएंगे इसलिए दस देवियों के इनके जो है ना कोई गुरु की गाइडेंस चाहिए और जैसे छठी है मा चिन्हा जी जिनकी उन्होंने अपनी गर्दन खुद ही ऐसे काट के ऐसे पकड़ी हुई है हुँ, हुँ, और गर्दन से तीन धाराएं निकल रही मैं फोटो है देखिए <laughs> एक डाकिनी और एक वन जो उनकी फ्रेंड्स थी जो उनकी सहेलियां थी उनके मुंह में जा रही है और तीसरी धारा निकल के अपने ही वापस जा रही है इसका मतलब जो आपको जन्म दे सकती है और जो आपका जन्म ले भी सकती है वो है माचिन और जैसे सातवी माधुमावती इनकी स्टोरी अगर आप इनकी प्रतिमा देखेंगे तो ये बहुत ही बुजुर्ग दिखेंगे आपको सफेद बाल बिखरे हुए आंखें हुई ढीली ढीली स्किन और ऐसे उनकी ये है कि एक बार माँ सती को बहुत भूख लगी थी जी। और उन्होंने महादेव को निगल लिया अच्छा। जी महादेव को जब उन्होंने निकला तो उनके शरीर से धुआं निकलने लग गया नहीं संभाल पाई उन्होंने वापस निकाला महादेव को तो जब महादेव जब निकले तो महादेव गुस्सा हो गए हाँ। और उन्होंने उनको श्राप दिया कि एक जो तुम्हारा रूप है तुम्हारा विधवा के रूप में तुम पूजी जाओगी और जो बिल्कुल सुंदर नहीं होगा तो इसीलिए उनका नाम धूमावती है क्योंकि उनको वो मिला हुआ है इसलिए वो उस रूप में विधवा के रूप में पूजी जाती है बिल्कुल बुजुर्ग आप देखेंगे तो और जैसे आठवीं है माँ बगलामुखी माँ बगलामुखी की पूजा करने से जैसे मान लीजिए मैं उनकी पूजा वही करते हैं जिनके शत्रु बहुत है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब फील्ड में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो आपको खींचने के लिए उंगली करने के लिए और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं अगर आप बगला मुखी की पूजा कर रहे हैं तो वो अपने भक्तों को बहुत प्रोटेक्ट करती है प्रोटेक्शन हाँ और प्रोटेक्ट करती है साथ ही जो आपके साथ गलत कर रहा है वो उनका रिवेंज भी लेती है ये है बाप बगला की शक्ति और जैसे नो, आ, नोवी है जो माँ मातंगी माँ मातंगी की ये स्टोरी है कि एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी शिव माँ शिव शिव जी और माँ पार्वती के पास आए भोजन करने के लिए तो जब वो भोजन कर रहे थे तो कुछ भोजन नीचे गिर गया ओके उस भोजन से जो देवी उत्पन्न हुई वो माँ मातंगी थी ओके और जब वो तो सारे देवताओं ने फिर उन्होंने उन्होंने हाथ जोड़े तो सारे देवताओं ने जो चारों देवता थे देवी देवता थे उन्होंने बचा हुआ भोजन उनको आशीर्वाद के तौर पर दे दिया देवता का देवताओं का झूठा भोजन मिला है तो वो तो वैसे ही ब्लेसिंग वो वैसे ही उनमें शक्ति आ गई दूसरा शिवजी ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त तुम्हारे पास आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा एंड दसवीं है माँ कमला माँ कमला जो है ये माँ लक्ष्मी का ही रूप है ओके। कमल पे विराजती है इसलिए इनका नाम माँ कमला है बहुत ही सुंदर बहुत ही शांत और सुंदर है ये तांत्रिक ऑब्वियसली बहुत जल्दी आपको ब्लेस करेंगी अगर आपको धन से कुछ भी आपको धन दान में कुछ है प्रॉब्लम्स तो वो बहुत जल्दी आपके ये सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इनको पूछते हैं तो बट वही आपको इनको यही पूजा करने के लिए गुरु की जरूरत है आप ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए क्योंकि आपको दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे खुश बहुत जल्दी हो जाएंगे बट कोई आपको बताने वाला चाहिए कि कहाँ पे रुकना है कैसे करनी है हर देवी की पूजा करने के मंत्र अलग है यंत्र अलग है विधान अलग है तो पूरा गाइड करने के लिए आपको जरूर चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए लाइक कितना नया है मेरे लिए <laughs> बहुत इंटरेस्टिंग है अब मेरे को और जानना है सो so, बेसिकली मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ दिमाग में कि जैसे आपने हमने इनके बारे में बात करी अब दस महाविद्या अब ये जो दस महाविद्यान के सबके अलग अलग आ, जैसे कि अगर मैं परेशान हूँ मेरे को बहुत दुश्मन बन रहे हैं तो मैं बंगला मुखी जी बंगला मैं उनकी वो करूंगा प्रार्थना तांत्रिक वे में सो दैट so वो जल्दी मेरे को प्रोटेक्ट करे क्योंकि जी, क्योंकि सराउंडिंग ऐसी होगी कि मेरे को जल्दी चाहिए हो। जी, अब उसमें मैं कुछ गड़बड़ भी कर सकता हूँ तो इसलिए मेरे को एक गुरु चाहिए जी। हर एक माँ की पूजा का हमारे पास एक सिग्निफिकेंस है कि मेरे को ये चाहिए तो मेरे को इनकी पूजा करनी है मेरे को ये चाहिए तो इनकी पूजा करनी है ओके कितना डीप है ये बहुत डीप so, है आप मतलब मैं तो मानती हूँ जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनके बारे में अगर आज हम बात कर रहे तो तो ये तो बहुत बहुत ही छोटा है हाँ। उनके बारे में तो अगर पढ़ने आप बैठोगे ना मेरे पास जितनी बुक्स है सारी माँ देवी से रिलेटेड है और सब कम पड़ जाती है सब कम पड़ जाती है मैं ढूंढती रहती हूँ नहीं मुझे वो नहीं मिल रहा है मैं ढूंढती रहती हूँ बहुत कम पड़ जाता है क्या ढूंढते हो आप मुझे लगता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंची जहां तक मुझे पहुंचना है कहां पहुंच जैसे रहा? आ, मतलब मैं मैं ये तो महीने पहले की बात हो गई है। चौसठ योगनी जो है उनके बारे में बहुत पढ़ रही थी okay. बहुत एक्सट्रीम और मैंने चार पांच बुक्स भी मंगवा ली सब पढ़ डाली मैंने बट मुझे ये था कि जहां से मुझे रूट नहीं मिल मतलब उनकी रूट नहीं मिल रही कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये तो

एक किसी बुक में मिली ये है कि जब असुर जो थे वो थे वो देवताओं पर अटैक कर रहे हमला कर हाँ। रहे थे और एक बात क्या हुआ कि की शुम्बुम्ब दो असुर थे उन्होंने इंद्रासन जीत लिया स्वर्ग लोग का हाँ हाँ हा। और पुराण जीत के और उनको ये था कि उनको कोई मार नहीं सकता है उनको ये था कि कोई नारी ही उन्होंने वरदान मांगा था कि मारे तो नारी मारे नहीं तो कोई ना मारे अब उनको लगता था नारी तो क्या ही मारी हाँ।, हाँ तो उन्होंने वो इंद्रासन कंट्रोल कर लिया था पूरा और आपके इस क्वेश्चन में ना आपके दो तीन आंसर आपको मिलेंगे आप बहुत हैरान हो जाएंगे <laughs> तो क्या हुआ या, माँ पार्वती स्नान करने जाती है जी। तो वहां पर उनको अ देख लेते हैं जो अः निशुम्ब और शुभ और निशुम्भ के ही असुर थे उन्हीं के ग्रुप के मेंबर थे तो वो उनको देख लेते हैं ये तो बहुत सुंदर है बहुत अट्रैक्टिव है तो वो जाते हैं शुभ और निशुभ अपने महाराज के पास कि आज हमने एक सुंदरी देखी है उनको प्रोवोक करते हैं और अगर आप में हिम्मत है आप अपने आप को मानते हो तो उनसे शादी करके दिखाओ चैलेंज दे दिया हाँ तो हम मानेंगे आपको नहीं तो हम आपको नहीं मानते तो शुभ महाराज जो होते हैं बोलते जाओ पकड़ के लाओ हम हाँ। करेंगे शादी हाँ। तो क्या होता है जो उनका सेनापति होता है धूम्रलोचन लोचन उसको बुलाते हैं और सेना लेकर भेज देते हैं हाँ। हाँ। <laughs> तो क्या होता है जब भेज देते हैं तो माँ दुर्गा जो होती है उनकी उत्पत्ति होती है उस समय क्योंकि माँ पार्वती को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं तो माँ पार्वती जी जाती हैं शिव जी के पास कि महादेव ऐसे ऐसे है और अटैक करने आ रहे हैं और कैसे बचाऊंगी मैं खुद को वो तो तो मुझे ले जाएंगे आप बताइए मैं क्या करूं। तो महादेव उनको बोलते हैं पहले तो वो ध्यान में होते हैं सुनते ही नहीं है नहीं। तो माँ पार्वती दो तीन बार नीचे जाती हैं फिर वापस आती है कि वो आ रहे हैं आप उठिए त्रिनेत्र खोलिए अपना दर्शन कर दीजिए उन्हें तो महादेव को पता है कि अगर मुझे इनकी दुर्गा जग इनकी शक्ति जगानी है तो मुझे इन्हें ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा कि एकदम से इनको हर्ट और ये आए तो वो बोलते हैं है। है। तो वो है। उनको बोलते हैं कि जो जो तुम इन नारी जो होती है वो हमेशा एक आदमी के पास क्यों चली जाती है मदद मांगने है। क्या खुद में हिम्मत नहीं है? है तुम खुद नहीं लड़ सकती तुम्हें हमेशा सपोर्ट के लिए क्यों चाहिए कोई क्या तुम अकेले सामना नहीं कर सकती तो उनको बड़ा वो झटका लगता है कि ये कैसे बोल दिया ये तो मेरी सेवा मतलब आ, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए मेरी सेवा करने के लिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तो है मेरे पति तो बोलती है वो कि हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे बोल दिया तो पार्वती माँ रोते रोते जाती बैठ जाती हैं और बहुत कुछ सोचती रहती हैं जब वो आते हैं उनको दिखता है शिव जी को कि वो पास आने वाले होते हैं सेना लेके तो सारे देवता जो होते हैं वो महादेव के पास आते हैं कि हमें अभी माँ शक्ति इनकी शक्ति जो है वो जागरूक करनी है तब सारे देवता जो होते हैं वो अपनी सारी शक्तियां मिला के सारी शक्तियां एक जगह मिलाते हैं तब जो रूप निकलती है जो शक्ति निकलती है वो माँ दुर्गा होती है माँ पार्वती का ही मतलब शक्ति रूप आपने देखा होगा माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल भी, भी है, है। चक्र भी है हाँ। कमंड सब कुछ है हाँ। लेकिन किसी देवता के हाथ में देखा कि सब कुछ है नहीं है उनके एक ही होते हैं तो क्या होता है जब सारे देवता जब एक जगह अपना शक्ति जो छोड़ते हैं ना हाँ। वो माँ दुर्गा है कितनी पावरफुल है वो तो जब वो वो धुम, जो होता है वो आ जाता है सेना लेके और वो उनको सिर्फ उनको सिर्फ एक हूंकार देती है मतलब जैसे जोर से और खत्म सब खत्म हाय दिस योर होस्ट वरुण वाधवा ये आपको पता है बट दूसरी चीज आपको नहीं पता है नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है आप दबा क्यों नहीं रहे हो हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं इतने सारे लोग ये डॉन्टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं पर सब्सक्राइब सिर्फ 17 परसेंट लोगों ने किया है तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद वन मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है आपको हमारी मेहनत है डॉन्टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें क्योंकि हम हर वेनजे फ्राइडे नाइन पी एम

<laughs> तो वो कहते हैं कि ठीक है चंडमुंड को भेजो उनके पास भी बहुत ताकत है।, है तो चंडमुंड आते हैं वो और सेना लेकर आते हैं है। तो उनको मारने के लिए माँ जो दुर्गा होती है वो अपने त्रिनेत्र से माँ का, का, काली की उत्पत्ति करती है जी वो आकर लक्ष्मी जी को चंडमुंड जब आ जाते हैं तो वो लक्ष्मी जी को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे कहते हैं ना कि माँ का रुद्र रूप जो है वो निकलता है कि तुमने हाथ कैसे लगा दिया Hmm. वहां से से वहा काली की उत्पत्ति होती है जो सिर्फ एक खड़क से ही दोनों की गर्दन एक साथ और उनके दोनों हाथ में आपने देखा होगा रहते हैं हैं hmm. वो उनके है। hmm. और तब दुर्गा कहती है कि दुनिया तुम्हें चामुंडा नाम से भी जाने जाएगी जानेगी hmm. तो इसलिए आपने अगर उनका मंत्र सुना होगा ओम हरि क्ली चामुंडा विचे hmm. चामुंडा जो है वो माँ दुर्गा ने उनको महाकाली को एक दूसरा नाम भी दिया था और इसके बाद जैसे आपने चौसठ योगनियों के बारे में पूछा तो चौसठ योगनी उसके बाद अभी वो अभी तो उनका चल ही रहा था वो तो भेज ही रहे थे अभी जी। तो वो क्या होता है उसके बाद भेजते हैं आपने तीसरे उसको, रक्त बीज को रक्त को जो वरदान था कि अगर उसकी एक बूंद भी कहीं गिर गई तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा तो रक्त बीज को जो वरदान होता है कि उसकी एक बूंद भी गिरेगी तो उससे दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाएगा जी तो माँ दुर्गा माँ सारे देवताओं को कहती है कि आप अपने जो अंश है उसकी एक देवी का रूप निकालिए ओके। okay. जैसे शिव जी है तो उनसे निकली माँ महेश्वरी हाँ, ब्रह्मा है माँ ब्रह्माणी हाँ, विष्णु जैसे माँ वैष्णवी माँ मा कार्तिके से माँ कुमारी हाँ, वारा से माँ वाराई हाँ, और भगवान माँ से माँ मा नरसिमी और माँ काली हाँ, भगवान इंद्र से माँ इंद्राणी हाँ, तो इनके आठ रूप और हो गए तो okay. तो जब रक्त बीज आता है तो काली उसकी गर्दन काट देती है हाँ. अब गर्दन कटी तो खून की नदी बहने लगी अब है, जिसकी एक बूंद से एक रक्त बीज पैदा हो रहा है नदी से तो कितने हाँ. कितने पैदा हो गए हाँ. तो जो उनके आठ रूप थे वो आठ एट इंटू एट हो जाते हैं उनके आठ रूप और बन जाते हैं हुँ. जो आठ जो मैंने आपको रूप गिनाए उन्हीं के आठ और रूप बन जाते और वो सारे जब मिलकर लड़ती हैं तब वो रक्त बीज को खत्म किया जाता है तो जब ये युद्ध हो जाता है तो जो योगिनी देवी चौसठ योगिनी तो वो चौसठ योगिनी जो होती है वह वो माँ दुर्गा से कहती है कि इस युद्ध के बाद तो लोग हमें भूल जाएंगे संसार भूल जाएगा तो हमें वरदान दीजिए कि लोग हमें याद रखें जब जरूरत पड़े तो हम उनकी मदद करें तो माँ दुर्गा उनको आशीर्वाद देती है कि जहां जहां तुम्हारे हैं वहां पर अगर कोई सिद्धि चाहेगा बहुत जल्दी उसे सिद्धि मिल जाएगी कोई मंत्र जाप कर रहा है बहुत जल्दी मिल जाएगा इसलिए जैसे मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आप देखेंगे तो सर्कुलर सर्कुल में टेंपल है उनके और खाजुराव और अः रिकिया में झारखंड में है जगह वहां रेक्टेंगल शेप में है Okay. इनके ऐसे टेंपल्स हैं और इनके टेंपल्स के एक और आप देखना कि जैसे आप नॉर्मल टेंपल में जाते हो देवी माँ के टेंपल में हुँ. तो वहाँ छत होती है और आराम से होता है जी. क्योंकि एनर्जी जो है वो सामने वन टू वन कनेक्ट हो रही है हुँ. लेकिन जब आप योगिनी टेंपल में जाएंगे ना ऊपर छत नहीं होती है क्यों क्योंकि जो वहां पे जो एनर्जी वो है वो स्पाइरल फॉर्म में है ऐसे और वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी है इतनी एक्सट्रीम एनर्जी है कि छत नहीं झेल सकती है झेल ही नहीं सकती है तो इसलिए वो ऐसे फॉर्म एनर्जी है जो आ, कनेक्ट हो रही है आप वहां जाएंगे अगर आप मेडिटेशन कुछ करते हैं स्पिरिचुअल लाइन में अगर आप थोड़े से भी है ना आपको बहुत एनर्जी बहुत ही आप पॉजिटिव बहुत स्ट्रांग ऑरा लेके आएंगे बहुत कुछ फील होगा जी वाओ फिर जैसे रक्त बीज का जैसे संघार हो गया तो उसके बाद जो होते हैं निशुम्ब और निशुम्ब लड़ने आता है माँ दुर्गा उनको भी खत्म कर देती है तो शुंब लास्ट में आता है जो उनका महाराज होता है जी। और वो आके सीधा माँ दुर्गा को बोलता है कि ये तो मेरे साथ गलत किया है आपने मुझे तो बताया था कि एक सुंदरी है यहाँ तो तुम्हारे लाख, लाखो लाखों रूप है तो और ये तो गलत है तो वो बोलती है कि ये सब रूप मेरे ही है तुम मूर्ख हो तुम पहचान ही नहीं पाए और जब वो सारे रूपों को अपने अंदर समेटती है और जब उसको सम, जब उसको खत्म करती है और फिर सारे देवता उनकी पूजा करते हैं और उनको वरदान मां देती है कि जब भी मुझे याद करोगे मैं तभी आ जाऊंगी <laughs> तो टेक्निकली सबसे बड़ी अगर हम देखा जाए तो माँ दुर्गा जी क्योंकि वो ब्रह्मांड की रचयता है जब ये ब्रह्मांड जब ब्रह्मा जी जब रचना करने लगे तो उन्होंने माँ त्रिपुरा सुंदरी की उनसे पूज उनसे पूझ, उनकी पूजा की थी कि मुझे आ, मेरी हेल्प कीजिए मुझे गाइड कीजिए मुझे आशीर्वाद दीजिए मुझे ब्लेस करिए कि मैं रचना करूं तब ये ब्रह्मांड की रचना हुई वो शक्ति के रूप में थी जब महिषासुर का वध किया तब माँ दुर्गा की फॉर्म बनी एंड उन्होंने महिषासुर का भी वध किया तब उनकी ये बनी थी

कि फर्स्ट टाइम आपको एनर्जी के साथ ऐसा कब कनेक्ट हुआ था और उस टाइम पे जब भी कनेक्ट हुआ होगा तो क्या फील थी क्या था आंसू निकल रहे थे डर लग रहा था खुशी हो रही थी कैसा था नहीं जब भी फील मैं जब भी दुखी होती थी ना जी मतलब होता ना कि कोई भी है एक आ, हम जब होता है कि कॉलेज वगैरह तब कुछ भी ऐसा होता है तो एक कहीं ना कहीं आप दुखी होते किसी छोटी सी बात पे भी दुखी हो जाते हाँ हैं और मैं ऐसे ही रोना होता है ना कि हमें किसी को रोके नहीं दिखाना है बट अकेले में तो जब अकेले में आप किसी वो चीज से हो रहे होते थे ना और आँख बंद करती थी तो मुझे माँ दिखती थी और मुझे जब आँख बंद करके रखती थी और जब ये आज भी होता है आपको आज है। भी होता है मेरे साथ ये और लास्ट जो मेरा जो अभी एक होता है ना कि देखो मैंने ये चीज देखी कि लोगों का कहना है कि आप इतना उनके बारे में 24 घंटे माँ दुर्गा माँ दुर्गा करती हूँ तो शायद इसलिए आपको वो दिखती है ये हो जाता है बट आप मानिए मेरे साथ ये जो एक होता है ना लाइफ में तगड़ा ही चेंज से आया हो हाँ। जब मैं आकाशिक सीख रही थी जी तो मेरा एक बै, बैचमेट था ऑब्वियसली हम किसी एक दूसरे को नहीं जानते थे क्योंकि हम हमारा काम सिर्फ सीखना था हम वहां पे कोई नहीं जानते थे और जब मैं सीख रही थी तो हमारी टीम बना दी गई ओके कि जैसे मान लीजिए आपकी और मेरी टीम बना दी है मैं आपके रिकॉर्ड्स खोलूंगी आप मेरे रिकॉर्ड्स खोलेंगे ओके और फिर हम लास्ट में जो भी हमारी टीचर है जो गुरु है है उनसे शेयर करेंगे ठीक है। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं हाँ। मतलब इतना बड़ी स्ट्रेंथ है कौन नहीं जानते कोई वो नहीं हाँ, होता हाँ। है कांटेक्ट ही नहीं होता है तो आप, आपके मैंने रिकॉर्ड्स खोल दिए मुझे बहुत कुछ दिख गया आपने मेरे रिकॉर्ड्स परमिशन लेके आपने मेरे रिकॉर्ड्स खोल दिए जब हमने टीचर से शेयर किया तो पहले मैंने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे इनकी क्या क्या दिखा नॉर्मल था उन्होंने जब एक्सपीरियंस शेयर किया उसने मेरी कहते हैं ना एक, मुझे झटका लगा की सच में उन्होंने जो बताया आज मैं आपको बताती हूँ की उन्होंने बोला कि जब मैंने इनके रिकॉर्ड्स ओपन किए मुझे दिखा कि एक कमरा खुला जिसमें धूल सी दुमास ऐसे है जब मैं थोड़ा सा और पास में गया मुझे बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे बड़ी माथे पे बिंदी दिखी रेड कलर की जब मैं और पास में गया व्हाइट एंड रेड कलर की साड़ी पहने हुए मुझे देवी दिखी साक्षात देवी और क्या क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो उन्हें पता नहीं था कि कितना आप खोज कर सकते हो रिकॉर्ड में और कहते मैं इतना ही देखकर और थोड़ा सा मुझे मेरी एनर्जी बहुत ही एक्टिवेट होगी बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे चक्कर हो गए फास्ट एक्टिवेट हो गए और मैं वापस आ गया बंद कर दिया मेरा कॉर्स वाह जब मैंने चीज देखी तो मेरे लिए बहुत मैं खुश होगी मैंने कहा मुझे कहीं ना कहीं ये चीज थी कि जैसे वो आ, सबने वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई वाली जिसमें वो गांधी जी के बारे में इतना पढ़ते हैं कि उन लगता है गांधी जी साथ में बैठे हैं तो मुझे भी ये था कि शायद मैं बहुत ज्यादा ही हूँ इसलिए हो सकता है मेरे साथ ऐसा होता हो बट जब कोई और आपको बोल रहा है कि आपके रिकॉर्ड खोलते ही वो दिख रही है इट मीनस कुछ तो है तब से मेरा और विश्वास मतलब कहते हैं ना कि अब तो मैं बिल्कुल कि हाँ वो मेरे साथ अब तो और ज्यादा वो हो गया कि हाँ है वो मेरे साथ अगर कोई अनजान इंसान मेरे रिकॉर्ड्स खोल के बता रहा है कि आपके रिकॉर्ड्स खुलते ही मां दर्शन दे रही हैं तो माँ है वो है मेरे साथ जी Nice. तो आपको तो डर ही नहीं लगता होगा किसी से नहीं लगता मैं रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ बहुत स्पिरिट्स बहुत कुछ आता है और जब मुझे लगता है कि मुझे एक्सट्रीम डरा रही है तो मैं माँ का नाम ले लूरिटे हाँ, वो भी हैं। दिखते हैं हाँ, बिल्कुल कै, बिल्कुल वो हैं। कैसे दिखते हैं अलग अलग होते हैं पूरा डराने की कोशिश करते हैं कि आप चले जाइए मत देखिए थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा ना मेरी भाषा में समझाओ इसको कि ये बहुत ज्यादा अलग जा रहे है <laughs> मेरे सर के ऊपर से जा रहे है लाइक इसको हम नॉर्मल वे में समझते हैं कि आप किसी के थोड़ा आकाशिक पे बात करते हैं कि आप किसी के आका, आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हो आकाश पहले तो एक बार छोटे से ना क्योंकि एक हमने पॉडकास्ट और किया हुआ है बट फिर भी जो नई ऑडियंस देख रही है जल्दी से आकाशिक रिकॉर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दो आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं ना ये आपकी आत्मा की जो जर्नी है उसको बताते हैं ओके कि मैं पिछले जन्म में क्या था पिछले जन्म, था, जन्म में क्या था और पिछले जितने जन्म मैंने जितने आपके जन्म लिए हैं आपने क्या किया है आपके ऊपर आज के समय में किन की ब्लैसिंग है किस देवता की ब्लैसिंग है आप मुझे मत बताइए किसकी ब्लैसिंग है मैं आपके रेकॉर्ड खोल के बता दूंगी आपके ऊपर इनकी ब्लैसिंग है ये सब आपके रेकॉर्ड्स में सब... अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम आ रही लाइफ में ब्लैक मैजिक कुछ भी है वो हुँ. सब दिखेगा अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा है ना रिकॉर्ड्स खुलते सबसे पहली चीज वही दिखती है

Uh, मेरे रिकॉर्ड्स खोलने हैं तो मैं आपसे परमिशन लूंगी कि uh, वरुण क्या आपकी परमिशन है मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी करूँ तो आप कहोगे हाँ जी उसके बाद एक प्रेयर होती है वो प्रेयर करूंगी और आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो जाएगा प्रेयर में क्या बोलते हो आ, प्रेयर तो वो हमारे जो टीचर होते हैं अच्छा, वो हमें देते हैं ठीक है वो प्रेयर करेंगे और आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो जाएंगे उसके बाद अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है कोई कुछ भी स्पिरिट वगैरह कुछ भी कनेक्शन है तो वो सबसे पहली चीज वो आप आगे आएगी सबसे पहले आगे आती है क्योंकि तो, तो आपको दिख जाती है विजुअल्स जी आपको पे, आ, पे, मतलब देखिए अलग अलग होता है कई बार तो सिर्फ काला साया और ऐसे कुछ दिखेगा कई बार आ, जैसे आप कभी सपना देखते हैं ना आप सपना देखते हो तो आपको एग्जैक्ट थोड़ी पता होता है एग्जैक्ट नहीं धुंधला धुंधला सा ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड में मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ की एक चुड़ैल आई थी जिसका खून निकल रहा है और ऐसे है हाथ कट ऐसे नहीं जैसे सपना होता है ना वैसे ही आकाशिक में दिखता है तो मतलब आप suppose आप जो भी मेरी पास्ट लाइफ होगी आप... आप आप अच्छा। मतलब देखिए बहुत लोग करते होंगे कि रिकॉर्ड्स खोल कुछ भी देख रहे हैं मेरे एथिक्स है आप जितना मुझसे पूछेंगे मैं उतना ही देखूंगी मैं नहीं देखती एक्स्ट्रा आपने मुझसे पूछा मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है वो आप नहीं भी पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगी क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उसके बाद ही तो मैं देखने नहीं जानी फिर आप आ, किस, इनकी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कौन से देवी देवता है क्योंकि सब पे ब्लेसिंग होती है? है सब पर ब्लेसिंग होती है पर उन्हें पता ही नहीं होता है कुछ लोगों को अगर मेरे को जैसे पता लग गया कि मेरे पे इन देवी की या इन देवता की ब्लेसिंग है तो उससे क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि मान लीजिए आप पर कृष्ण जी की ब्लेसिंग है जी और मुझे आपके रिकॉर्ड में दिख रहा है इसका मतलब यह है की कई जन्मों से आप उनकी पूजा करते आ रहे हैं इसलिए आप पर ब्लेसिंग है ऐसी ब्लेसिंग नहीं है कि आज आपने कल आपने थोड़ा सा उनकी आरती गाई और आज ब्लेसिंग दिख रही आप कई जन्मों से उनकी पूजा कर रहे हैं और इस जन्म में भी अगर आप पूजा करेंगे तो आपको उनके जैसे आशीर्वाद मिलेगा मान लीजिए एक मंत्र जाप आप कर रहे हैं कोई मंत्र जाप कर रहे हैं आपने प्रण लिया था कि मैं 108 बार ये मंत्र जाप करूंगा जी। ठीक है एक बार एक दिन करूंगा जी और सो so, सौ uh, so, जब आपने जाप कर लिए सौ so दिन के बाद और uh, किसी वजह से भगवान ना करे किसी वजह से आपकी uh, मृत्यु हो जाती है hmm. आठ मंत्र रह गए आपके जब आप अगला जन्म लेंगे आप मंत्र फिर से स्टार्ट करेंगे तो जो आपके सौ और आठ जब एक सौ आठ हो जाएंगे ना उसको आपको आशीर्वाद मिल जाएगा आठ मंत्र बोलते ही आशीर्वाद मिल जाएगा क्योंकि सौ मंत्र आपने पिछले जन्म में बोले हुए हैं यही है तो मान लीजिए कृष्ण जी की आपने पहले बहुत भक्ति की हुई है इसलिए इस जन्म में आपको ब्लेसिंग है मेरी मैं अगर कहूँ कि माँ दुर्गा से मेरा इतना कनेक्शन है तो मुझे लगता है ये जन्म में नहीं किया होगा मैंने कुछ मैं पिछले जन्मों से करती आ रही हूँ तभी तो मैं बहुत छोटी सी थी और मुझे दिखने लग गई और सब कुछ होने लग गया क्योंकि हर जन्म में मैं करती आ रही हूँ अगर इस जन्म में मैं नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे पूजा भक्ति में नहीं जाना है मुझे तो जिंदगी जीनी है और ये सब ये सब मैं भी कहूँ कि नहीं ये सोच तो है ही ऐसी कुछ नहीं रखा है मॉडर्न उस साइड जाऊं मैं तो क्या होगा मेरा ब्रेक लग जाएगा

बहुत कर रहे और उनका ये जन्म होगा बाद भी जन्मों से करते आ रहे हैं या फिर उन्होंने चोटी, चोटी सी में ही बहुत कुछ मतलब वो त्याग कर उसमें ही चले गए है चौबीस घंटे उसमें दे रहे हैं जैसे हम हम गृहस्थ इंसान है हम कितना समय दे सकते हैं ज्यादा ज्यादा क्योंकि बहुत कुछ संभालना है लेकिन जो अः जो बाबा जिनके आप बता रहे हैं अघोरी हैं जैसे वो लोग तो पूरा ही समय देते हैं समर्पित हो तो जाते हैं हाँ। पूरे समर्पित हो जाते हैं तो जहाँ मैं इतना सा दे पा रही हूँ वो तो पूरी पूरा जीवन ही उनको दे रहे हैं तो उनको तो एक जीवन में ही बहुत कुछ मिल जाता है वाओ जी हाय दिस इज योर होस्ट वरुण वाधवा ये आपको पता है बट दूसरी चीज आपको नहीं पता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है आप दबा क्यों नहीं रहे हो हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं इतने सारे लोग ये डॉन्टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं पर सब्सक्राइब सिर्फ 17 परसेंट लोगों ने किया है तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद वन मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है आपको हमारी मेहनत है डॉन्टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें क्योंकि हम हर वेनजे फ्राइडे नाइन पी एम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड निकालते हैं और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पहले तो ये बताओ कि इसके पीछे साइंस क्या होती है लाइक मेरे को मेरे हमेशा मैं ओकल साइंस पे इतने सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ बट मेरे को जानना है कि लॉजिक क्या है तो कैसे फेस रीड किया जाता है और पर्सनालिटी की क्या होता है इसके पीछे पूरा बेस बताओ आप जो मैं करती हूँ वो तो पर्सनालिटी रीडिंग है ओके किसी का फेस देख के पर्सनैलिटी मैं बता देती हूँ ठीक है आप किसी से माने आप किसी से पहली बार मिले हाँ। तो आपको फोटो भेज दी या हाँ। मान लीजिए आपने सिर्फ मुझे देखा है जी आप मेरे बारे में क्या बता पाएंगे कि क्या बोल रही बता पाऊंगा मैं तो जेंडर बता पाएंगे <laughs> ये लड़की लग रही है लड़की है ज्यादा ज्यादा कह देंगे कि सुंदर है या नहीं है सुंदर हाँ, हाँ। इतना ही आप कहेंगे आप उसको नहीं बता पाएंगे कि इंसान कैसी होगी मैं वो करती मैं फोटो देख के मैं ये बता सकती हूँ कि ये इंसान जो है ये कैसा है सिर्फ फोटो से सिर्फ फोटो से और सामने मुझे बात करने की जरूरत नहीं मैं अगर आपसे पहली बार मिली हूँ और सिर्फ आपने हम एक दूसरे के बाद एक दो बार देखा है मान लीजिए तो भी मैं आपको बता दूंगी कि आप ऐसे इंसान हैं तो क्या आप आप लाइक ठीक है मैंने माना कि आप बता दोगे बट आप क्या आप कैसे पता कर पा रहे हो लाइक क्या आप एनर्जी फील कर पा रहे हो या आप सिर्फ उनकी आंखों में देख के पढ़ सकते हो या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन या फिर तिल होते हैं किसी के है, तो ये सारे क्या देखिए फीचर्स भी बहुत कुछ बोलते हैं तिल भी बहुत कई बार साथ देते हैं और जो सबसे जो मेन चीज जो है आपकी आंखें आंखें इंसान की आंखें जो है ना उसका आप सब कुछ बता सकती है सब कुछ तो अगर आप किसी किसी आप किसी से मिलेंगे आप सिर्फ उनकी आई कॉन्टेक्ट करिए रहा हूँ सुंदर है थैंक यू <laughs> तो बहुत कुछ पता चलने लग जाएगा आप हाँ। कि वो इंसान कैसा है तो आंखें जो होती है ना वही सब कुछ बोलती है कुछ लोग होते हैं ना कि जुबान से नहीं बोलेंगे और लेकिन आंखों से बस ऐसे देखेंगे जैसे अजय देवगन जो है उनकी आंखें बहुत कुछ बोलती है उनको जुबान से बोलने की जरूरत नहीं है अगर वो आंखों से देख रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि वो बोल रहे हैं कि ये क्या लग रही है और आंखों से ही पता चल जा जाएगा कि ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है मतलब ऐसे क्या लग रही है हाँ। <laughs> <laughs> तो आंखें ही उनको ये खोलने की जरूरत ही नहीं है उनकी आंखें ही बहुत कुछ बोल रही है किसी की आंखें जैसे आपकी आंखें आप, दाँ दाँ। <laughs> क्या है आप जब किसी को देखते हैं ना आप अंदर जाने की कोशिश करते हो ओके ओके और आंखों ही आंखों मतलब दिमाग में बहुत कुछ एनालाइज कर रहे होते हो वैसे सोच के चल रहे होते हो आप ठीक है और अपने आपको कुछ लोग होते हैं कि जैसे मिलेंगे तो उनको ये होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ hmm. मैं कैसी दिख रही हूँ आप मुझे देखिए उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले को एनालाइज करना है ये कैसा है nah. कोई वो नहीं है आप उसे अपोजिट है आपको ये मतलब नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ ये मुझे कैसे देख रही है मुझे मैं सुंदर तो दिख रहा हूँ ना बाल वाल तो ठीक है आपको वो मतलब नहीं है आप जब सामने वाले से मिलते हैं तो आपका ये मतलब होता है कि ये कैसा है इसको तो जान लू थोड़ा और निकालू और निकालू हाँ। तो आपका वो रहता है आपकी आंखें खोजती हैं अंदर हम्म और जो ऐसे इंसान होते हैं वो थोड़ा मतलब मैं होते हैं आप अच्छा। ट्रस्ट कर सकते हो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उनको शौफ में ज्यादा बिलीव नहीं है उनको हाँ। ये है कि जो सही है सही है गलत मतलब है मैं लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं और लोग आप ट्रस्ट कर सकते हैं अच्छा रिलायबल जी बिल्कुल और बस नहीं बस नहीं अभी तो बताते जाओ मैं बता रहा था ओके पर ये एक्यूरेट था जी ट्रस्ट वाला तो नहीं पता देख लो ये आप आपके डिस्क्लेमर दे रहा हूँ अपने रिस्क पे करो ट्रस्ट पर हाँ सिर्फ आके देख के आपने बता दिया अब बताओ <laughs> अब छुपा लेंगे तो अब मैं आपके वैसे बता फीचर से देख के बता सकती हूँ मान लीजिए आपने आके बंद कर लिया फीचर से जैसे देखिए अगर मैं जैसे अगर मैं आपके लिप्स को देखूं तो आपके लिप्स जो हैं वो आ, कुछ लोगों के होते हैं कि जो जिंदगी में लेने आए होते हैं जो कुछ होते हैं जो जिंदगी में देने आए होते हैं और कुछ बैलेंस करने आए होते हैं कि इतना ही लेना है इतना ही देना है जी। इसका लेने देना अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या बात कर रही हैं लेने का मतलब मान लीजिए जैसे आज आपने सोचा की अभी तो मेरे पास छोटी गाड़ी है मुझे तो फॉर्चुनर चाहिए सोच लिया आपने की फॉर्चुनर तो चाहिए होनी चाहिए आपको मिल जाती है दो साल बाद ही ठीक है आप फॉर्चुनर चला रहे हैं छह महीने हुए हैं आपने यार रेंज रोवर जाते हुए देखी मस्त गाड़ी है वो भी चाहिए रेंज रोवर मिल गई फिर आप और कुछ सोचेंगे तो आपकी जो इच्छाएं है ना वो नहीं रुक आप रुकेंगी नहीं आप बहुत ही आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना चाहते हैं शायद वहां पे भी आप सेटिस्फाई ना हो आपको चाहिए। आपकी डिजायर्स बहुत है ये मेरे को भी लगता है बहुत है आपको चाहिए अगर आप मानिए आप ये कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ मेरे पास एक घंटा है मैं ये भी कर ही लेता हूँ आपको ये रहेगा कम टाइम में ज्यादा चीज हाँ, आपको बहुत कुछ चाहिए क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है अपने आप को हाईलाइट करना है दूसरा जो है आपने आंखें बंद कर ली हैं बाकी आपके जैसे आपका मोल है एक, तो मैं उसको आपको देख के बताती यहाँ पे आपका है जैसे है ना यहाँ हाँ। तो यहाँ पे अगर किसी का होता है मोल इसका मतलब होता है कि वो पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रेक्टिव एंड चार्मिंग है हाँ आपकी तारीफें हो रही है बताओ 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 Okay. तो इसका मतलब होता है वो पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग है हाँ. मतलब लोग आपसे आपसे आप कोई नाराज होकर तो नहीं जाएगा आप बहुत अच्छे से मना लेंगे और लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे आप खींचेंगे क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आप किसी की आंखें जो होती है ना जब वो किसी को खोजने की कोशिश करते हैं तो लोग वैसे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट आप, आप मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं तो लोगों को अच्छा लगेगा कि ओके ही इज लुकिंग एट मी एंड चाहे वो पता नहीं किसी भी वे में ले बट ये एक अच्छी क्वालिटी भी होती है दूसरा यह है कि आपका तिल है तो वैसे भी आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी अगर आप किसी को कोई डील करने जाएंगे ना आप और आप कहेंगे कि थोड़ा सा देख लेगा बता दो अच्छे से सब पाँच हो ही ना <laughs> <laughs> मैं वैसे आपको मोल्स के वैसे बताती हूँ कैसे पता चल जाता है सारा आपके बारे में नहीं बताएंगे थोड़ा तो, पेड़ कंसल्टेशन भी देंगे <laughs> जैसे मान लीजिए किसी के पे तिल है हाँ। तो इनके जो रिलेशन होते हैं ना वो रिश्तेदारों से ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं ओके तो यहाँ पे तिल होना ज्यादा अच्छा नहीं होता है अगर किसी के आईब्रोज में तिल है तो ये अच्छा भी है लेफ्ट आईब्रो में जैसे तिल है तो वो थोड़ी सी पर्सनैलिटी वो थोड़ी डरपोक मतलब डरते हैं वो लोग उनका फियर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है डरपोक पर्सनैलिटी बोलते हैं और वहीं अगर राइट आईब्रो में है तो वो बहुत ही आउटस्पोकन होंगे वो किसी से नहीं डरेंगे होगा जो देखा वो होते है ना कि कर दो देखा जाएगा वैसे टाइप के होते हैं अगर आईब्रो के यहाँ पे जो यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर आपके मोल है तो इसका मतलब होता है कि ये लोग एक तो बहुत वेल्दी होते हैं दूसरा ही बहुत वाइज होते हैं बहुत ही सोच समझ के बहुत दिमाग बहुत एक्सट्रीम दिमाग होता है अगर आंखों के आसपास जैसे आपके है यहाँ पे किसी की भी आंखों के अराउंड ऊपर नीचे कहीं पे भी तिल है तो ये चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव होती है आ, जैसे किसी के नोज पे तिल है ये। तो ये लोग आ, मतलब बोलने से पहले सोचेंगे नहीं मतलब फिल्टर किए भी ना कि बोल देंगे जैसे होते दिल के साफ है पर इनकी जुबान जो है ना अच्छा भी बोलेंगे तो वो लग जाएगी इनकी जुबान जो होती है ना वो थोड़ी सी लगती बहुत है लोगों को मान लीजिए अगर इनको कोई किसी जैसे किसी ने मान लीजिए कुछ नया पहना है जी और इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिल्टर करके ये कह सकते हैं कि आ, नहीं ये तुम पे ये जच नहीं रहा है तुम चेंज कर सकते हो ऐसे कुछ कर, आप घुमाएंगे बात को ये सीधे बोलेंगे ये क्या बन के <laughs> इतना गंदे से बोलेंगे कि कैंची की तो तो सामने वाले को बहुत गुस्सा आएगा कि ये हाँ। और इनको लोग थोड़े से दूर रहते हैं इसलिए इनसे दूर रहते हैं कि उनको पसंद नहीं आता जिस ढंग से बात करते हैं वही अगर आप चिक्स पे देखेंगे तीन तो अगर लेफ्ट चिक पे है कहीं पे भी तिल आपके तो इसका मतलब होता है वो पर्सनैलिटी जो है वो इंट्रोवर्ट है ओके और शो टेम्पर्ड होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा और अगर आपके राइट चिक पे है तो उनका उनका ओपोजिट होता है ओके जी वही अगर आप माउथ पे मतलब मान लीजिए इस वाले एरिया में कहीं पे भी तिल है तो एक तो ये स्पिरिचुअल होते हैं मतलब कहीं ना कहीं चाहे किसी भी एज में जाके ये इस लाइन में आ ही जाएंगे ओके okay. दूसरा इनको ट्वीं होने के चांसेस एक्सट्रीम होते हैं hmm. ये ब्लेस्ड होते हैं ट्विन बेबीज के साथ और जैसे अगर मान लीजिए किसी के नीचे वाले इस एरिया में है तो ये लोग थोड़े खाने के शौकीन होते हैं hmm. इनको खाने का ऊपर से ये ब्यूटी का अगर यहाँ पे यहाँ पे कहीं तिल है तो ये थोड़ा ब्यूटी को भी सिग्निफाई करता है ओके okay. और जैसे मान लीजिए किसी के चिन्ह पे है हाँ। तो ये लोग इनका पैशन बहुत स्ट्रांग होता है जो ठान लिया करके रहेंगे डरेंगे नहीं रिस्क लेने में माहिर होते हैं और है। आ, अटेंशन चाहिए होती है कि ओके मतलब ऑफ़ तो अट्रेक्शन में ही होनी चाहिए हाँ। ऐसे होते हैं ये लोग अपने हाँ। बारे में नहीं रही ऐसे बता रही वैसे बता रही हूँ मान लीजिए किसी के ईयर्स पे तिल है तो जो आपको जो सामने वाला जो पोर्शन होता है ना जो सामने जो दिख रहा है अगर यहाँ पे तिल है तो ये बहुत अच्छा होता है आप बहुत ही ऐश आराम वाली जिंदगी जियेगी आप बहुत ही सौभाग्य जिसे कहते हैं ना वो है अगर बैक साइड में है तो वो अच्छा नहीं होता है तो अगर आपके बैक साइड में जो आधा ऊपर वाला हिस्सा है बैक साइड का ऊपर वाले में है तो आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे ओके okay. आपके बीच वाला जो पिछले पीछे कान के बीच वाला जो पोर्शन है अगर वहां पे तिल है हुँ. तो मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट कर दिया चाहे वो छोटा सा ही आपको किया हो आप लाइफ टाइम ही भूलेंगे ये लोग भूलते नहीं है ओके okay. चाहे छोटा सा भी गम हो वो उसको जिंदगी भर खींच के चलेंगे <laughs> और के नीचे कान का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना अगर वहां पे उनके तिल है तो उनको हमेशा पैसे से रिलेटेड दिक्कत रहेगी रहेगी अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे किसी के कान के ये जो टॉप होता है ना जो हमारा मुड़ा होता है यहाँ पे तिल है ये ये मान मानिए राजयोग है जिसके यहाँ पे तिल है वो उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है दिमाग से हर चीज में वो माहिर होंगे है। फीचर्स बताती हूँ मैं आपको जैसे कुछ लोगों के आईब्रो से स्टार्ट करते है, हैं कुछ लोगों की आईब्रो बहुत ही ऐसे वी शेप में होती है बहुत ऊपर को उठी हुई होती है इन लोगों की एनालाइज करने की पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है जैसे आपकी है ना ऐसे मतलब थोड़ी सी ऊपर ऑब्वियसली आपको ठीक है बट, बट जिनकी ऊपर को होती है ना ये एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं और जिनकी स्ट्रेट आईब्रो होती है जैसे बिल्कुल ऐसे ये मतलब जैसे मान लीजिए कोई फाइल आई हाँ ठीक है साइन साइंक ठीक है <laughs> ऐसे डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉग मतलब क्विक है बट मतलब बिना कुछ भी कर देंगे अब उसका चाहे वो गलत किया चाहे सही किया बट कर देंगे ठीक है कर दो कर दो वैसे नहीं ये नहीं सोचेंगे इसको एनालाइज तो कर लो देख तो लो जी तो इनका ये होता है जैसे जिनकी आंखें जो होती हैं, जैसे जिनकी बाहर को निकली होती है, बड़ी -बड़ी है, तो है थोड़े हाँ। तो से, हाँ। तो से दोस्त जल्दी बन जाएंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं जल्दी से इनसे घुलना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है आप जल्दी से इनसे एक दिन में दोस्ती कर सकते हैं जिनकी आंखें अंदर को धसी होती है देखेंगे ना गहरी गहरी अंदर आकर ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं इनसे तो आपको आराम बहुत छह महीने एक साल लग जाएगा दोस्ती करने के लिए ये जल्दी अपनी होती जल्दी से नहीं होते हैं जल्दी से दिखाएंगे ही नहीं कि हमें दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं लगने देंगे आ जैसे नोज किसी का नोज जैसे देखेंगे ऊपर से भी पतला है और आगे से भी पतला है और बीच से ठीक है बिल्कुल ही पतला सन होते ना कुछ लोगों के हाँ। इन लोगों का क्या होता है पैसा आता भी बहुत मुश्किल से है और फिर उसको भी नहीं देते ऊपर हाँ। <laughs> हाँ। से खुली होगी आगे से जाके थोड़ा सा दबा देते हैं मतलब हाँ। बंद होती है पेरेंट्स बचपन में कर देते होंगे बढ़िया कुछ लोगों की आगे से नाक बिल्कुल ऐसे बंद होती है इसका मतलब ये ऐसे okay. लोगों, लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है इनके okay. पास ये मानिए कि चवन्नी आ रही है और ये दस रुपए या सौ रूपये खर्च कर रहे हैं <laughs> हाँ. ऐसा होता है हाँ. कुछ लोगों का बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऊपर से भी इतना ही बिल्कुल स्ट्रेट इसका मतलब ये होता है कि बराबर चल रहा है दस आए तो दस ही खर्च कर दिए बराबर कुछ नहीं बचाना कुछ नहीं नॉर्मल से ये <laughs> मैं ही लग रहा हूँ नहीं नहीं आपके बीच में बीच में आप स्टोर कर रहे हैं <laughs> अच्छा स्टोर भी कर और खर्ची कर रहे रहे और नहीं नहीं स्टोर ज्यादा कर रहे हैं कहा <laughs> okay, <आप बताँ> <laughs> जैसे किसी के आप यहाँ तो राउंड से होते हाँ। हैं तो नहीं पता जब वो हंसते हैं है, तो यहाँ से अगर थोड़ी राउंड शेप हो जाती है ऐसे गोलू गोलू से तो ये लोगों का दिमाग जो होता है ना वो मनी क्रिएटिंग होता है मनी क्रिएटर बोलते हैं इनको पैसे के दिमाग पैसा बनाना आता है इनको तभी तो आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो, जैसे चिन्ह अगर आप किसी के देखेंगे तो कुछ लोगों की चिन्ह ना मोटी होती है थोड़ी सी मोटी एंड कुछ लोगों की तो मैंने देखे कि इतनी मोटी होती है कि बीच में एक लाइन भी बन जाती है ऐसे करके जितनी मोटी होगी ना उतना मान लो कि आपकी ओल्ड एज में आपके पास अकाउंट बैलेंस मोटा होगा ये आपका मनी बैग होता है आप पैसा लेके उतना जाते हैं और कुछ लोगों की बहुत शार्प ऐसी तीखी सी होती है ऐसी जॉ लाइन ऐसी तगड़ी होती है ये लोग बहुत ही पैशन वाले होते हैं बहुत ही डिटर्मिनेशन का स्ट्रॉन्ग होता है कि ये करना है वैसे टाइप से ये वैसे होते हैं और जैसे लिप्स अगर आप जैसे मैंने आपका बताया कि मान लीजिए आपका नीचे वाला जो लोअर लिप है ये थोड़ा मोटा है ऐसे निकला हुआ ऐसे सुंदर शेप है तो ये लोगों का क्या होता है कि इनकी डिजायर बहुत होती है बहुत चाहे इनको कितना भी मिल जाए इनको और चाहिए चाहिए नीचे वाला होट अगर पतला है ऊपर वाला मोटा है होट ये लोग दान हाथ से बहुत दान करते हैं बहुत छोड़ते हैं मतलब कहीं कही ना कहीं ये दान कर ही रहे होते हैं अगर इनके पास दस रुपए आ रहे हैं ना तो आठ रुपए दान ही कर देंगे ये ऐसे होते हैं कुछ लोगों के देखेंगे कि दोनों ही आ, मोटो, मोटे होठ हैं ये लोग मतलब अच्छी इनकी इनकम भी अच्छी आ रही है और ये दान भी अच्छा कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं ऐसे होता है और किसी के कान देखना बहुत बड़े बड़े कान होते हैं तो उनका ये होता है कि आफ्टर फोर्टी से पहले नहीं नहीं फोर्टी से पहले वो स्ट्रगल करते हैं ओके <laughs> और है। एक और जो बताती हूँ आपको जैसे किसी का देखना ये तो फॉरेट इतना होता है किसी का जो ये वाला पोर्शन जो होता है ना जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ वहां पे अगर किसी का तेल है ना ये बहुत अच्छा होता है बहुत ही लकी स्पॉट बोलते हैं वो होता है अगर किसी के इस एरिया में तेल है ना आपका दिन चाहे कितना भी खराब जा रहा है एट द एंड कुछ अच्छा हो जाएगा और आपका सारा दिन मतलब भूल जाओगे आप तो और आपको बचा लेगा मान लीजिए आपको जैसे आपने आ, कोई काम नहीं प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है कुछ भी ऐसा किया नहीं है और आपको लग रहा है कि बॉस से आज तो पक्का गाली पड़ेगी तो कुछ ऐसा होगा की या तो बॉस नहीं आया होगा <laughs> <laughs> या लाइट चली जाएगी कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा ये तो कैसे अच्छा हो गया <laughs> तो ये आपको हमेशा मुसीबत में बचा लेगा इसलिए ये, ये बहुत अच्छा होता है ये भी आपने सारा एनालाइज कर रखा है या पढ़ाई सारी किताब है सारी किताबें जी आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो हाँ मुझे बहुत शौक है दिख रहा है वो <laughs> नहीं मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। मुझे जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनको पढ़ने का शौक है वही तो मैंने आपको बताया आप अंदर जाते हो <laughs> तो खोज लो इन्होंने क्या क्या पढ़ा है सब निकलवा लो एक घंटे के पॉडकास्ट में जितनी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो ले लो जी। ओके आपने मेरे बारे में नेगेटिव नहीं बताया कुछ नेगेटिव बताओ ऑडियंस को पता लगना चाहिए

नहीं गर्दन पे है बट आई डोंट थिंक वो तिल है तिल नहीं है वो हाँ। अच्छा चलो नेगेटिव भी हाँ, नेगेटिव भी बताओ ऑडियंस को मैं एक ही दो तीन, दो तीन दो तीन नहीं है ही एक मैं क्या बताऊं बताऊंगा अगर ज्यादा है तो बता दो देखो अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा मैं काट दूंगा थोड़ा सा तो डाले नहीं हम जो भी होगा हम डालेंगे नेगेटिव जैसे जब आप हंसते हैं ना जो मैंने चीज नोटिस किया है तो आप थोड़ा सा अपने आप को खुल के नहीं हंसते हैं थोड़ा हाइड करते हैं कि ओके बहुत ही जैसे कहेंगे कि दिल नहीं खोलते हैं आप ओके okay. कहीं ना कहीं वो चीज है कि अगर आप देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप भी मिलो तो आप भी चीज देखना कि कुछ लोग होते हैं ना <laughs> कुछ भी बात करते इससे ज्यादा तो स्माइल निकलेगी ही नहीं हाँ। तो इट मीन्स वो वो जो इंसान है ना वो जिसे हिंदी में जैसे कहते हैं ना गुना हाँ। जो दिखाई नहीं रहा है कि अंदर क्या है बहुत संभलने की जरूरत होती है ऐसे लोगों से उनपे आप ट्रस नहीं कर सकते हो और वो और जैसे आप हो आप इतने नहीं हो बट आप हंस रहे हो लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को हाइड कर रहे हैं तो आई वॉन्ट से आप घुन्ने not... आप जैसे हाँ. आप मुझे देखेंगे तो मैं बहुत खुल के हंसती हूँ जी मैं खुली किताब हूँ मुझे मतलब मैं मुझे लगता है कि जो भी आपके सामने है मैं जैसी हूं आपके सामने हूँ मुझे छुपाने की या कुछ ऐसी जरूरत है नहीं आप मेरे बारे में जो सोचते हैं वो आपका हेडेक एक है वो मैंने अभी एक रिचा चड्डा का मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी जिन्होंने उसमें उसमें बहुत अच्छी लाइन बोली है कि चिंटू अगर चंडीगढ़ में बैठ के कुछ आपके बारे में सोच रहे तो क्या फर्क पड़ता है हाँ, राइट, नहीं नहीं फर्क फर्क पड़ रहा कोई पड़ता। आप कुछ भी सोचिए मुझे नहीं फर्क मैं जैसी हूं मैं वैसी हूँ तो जो ज्यादा खुलके हंसते होंगे ना वो बहुत ही खुले दिल के होंगे आप बहुत ही आपको दिक्कत नहीं होगी दूसरा वो ट्रस्टवर्दी होते हैं लॉयल होते हैं आपको चीट नहीं करेंगे आप अच्छे नहीं लग रहे हो आपसे कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है सीधा जाएंगे या चाहे आधी रात को मुंह पे आधी रात को कॉल करेंगे मुंह पे बोलेंगे तुमने ये गलत किया है और मुझे पसंद नहीं आया तो सुधर जाओ या जाओ हाँ, सिंपल है हाँ, लेकिन जो मैंने बताया ना जो बिल्कुल ऐसे वो भेद ही नहीं देंगे कि अगर उन्हें आपकी किसी बात से प्रॉब्लम है हाँ, तो वो बताएंगे नहीं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है हाँ, और जैसे आप जो है आप वो भी नहीं है और आप एक्सट्रीम खुले हुए भी नहीं, नहीं बीच है, आप बीच में है आप ये माल, जैसे अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड है कोई कोई लड़का फ्रेंड कोई भी है आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको एकदम से नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो एक ब्लंट पर्सनैलिटी ही बोल सकती है हाँ। और जो बिल्कुल छुपे होंगे वो तो दिखाएंगे भी नहीं कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी पर वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में उनके बहुत कुछ चल रहा होगा और एकदम से वो आपसे दूर होते जाएंगे आप ऐसे हैं कि लग, उसको लेके चल भी रहे हैं लेकिन उसको फिर थोड़ा थोड़ा थो 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 हिंट भी देते रहेंगे मतलब उससे बात करनी कम कर देंगे उसको हिंट भी आ रहा है हाँ लेकिन आप खुल के नहीं बोलेंगे आप खोल जाके नहीं कहोगे मुझे तेरी चीज बुरी लगी आप वो नहीं करोगे लेकिन आप क्या होगा जैसे फोन कर रहे हैं तो फोन पहले आप पहली बार में उठा रहे थे दो तीन बार ठीक है

पूरा हंड्रेड खुली किताब हूँ बट एक साइड है जो 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 मेरी बहुत पर्सनल है है सिर्फ मेरे पास है, जी जो मैंने किसी के आगे नहीं पांच परसेंट चार परसेंट होगा बट वो मैं कभी खोलना भी नहीं चाहता जी वो ऐसा है वो होते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी इसमें कुछ गलत नहीं है अगर कोई इंसान कैसा है हाँ मेरे को ये नेगेटिव लगा भी। नहीं आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि आप धोखेबाज हो आप बहुत गलत इंसान हो आपको कुछ ऐसा नेगेटिव बता रहा था ऐसा कोई नहीं होता है सब अलग अलग है सब अलग है मैं ये मानती हूँ की कोई बहुत ज्यादा ब्लंट है खुल के मुंह पे बोल रहा है वो भी अच्छा है हुँ. और जो छुपा रहा है कुछ है तो वो भी अच्छा है वो है वैसा इंसान आप उसको नहीं बदल सकते वो पैदा ही वैसा हुआ है हुँ. आप नहीं बदल सकते हो आप वो कहते हैं ना कि आम को नीम नहीं बना सकते नीम को आम नहीं बना सकते हैं दोनों के फायदे भी है दोनों के नुकसान भी है नीम को आप नहीं खा सकते हैं लेकिन वो आपको बहुत हेल्पफुल है आपको लगा कड़वा है कैसे हैंडल करूं नहीं खाया जा रहा है आम बहुत टेस्टी लग रहा है, बट जिनको शुगर या कुछ ऐसे हाँ। ना, इंसुलिन करता है। राइट। और आप एक्सचेंज नहीं कर वो मीठा हो हो कर नहीं कर रहा। मैं को बुरा नहीं लगा ना <laughs> <laughs> मैं नीम नहीं वो होता है ना वो मीठा नहीं जिसे कहते मैम दिस इज दिस वॉज ऑफ माई ऑकल्ड साइंस का सबसे फन एपिसोड कि मैं बिल्कुल फ्रीली बात कर पाया मेरे को बहुत मजा आया बहुत कुछ जानने को मिला एक नया टॉपिक दुर्गा माँ का एक देवी माँ का बहुत सारा देवी इसके बारे में कुछ जानने को मिला और मैं इसको लाइक like, मैं चाहता था कि ये शुरुआत हुआ है में क्योंकि मैं बहुत ज्यादा और जानना चाहता हूँ हर एक देवी के बारे में जानना चाहता हूँ उनकी पूजा कैसे होती है क्या रिचुअल है सब कुछ जानना चाहता हूँ So, thank you so much. इस के पॉडकास्ट पे शुरुआत करने you, you. बहुत अच्छा लगा। और आप मैंने से बता ना, बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते है जो जो माहौल है ना वो बहुत ही इजी कर देते हैं मतलब जो आते हैं आपके पास उनको मतलब मुझे तो बिल्कुल वो नहीं लगा कि मैं कहा आ गई हूँ और कैसे होगा <laughs> पहली बार मिल रही हूँ बहुत अच्छा लगता है आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है पॉजिटिव और जैसे कहते हैं ना जल्दी से कनेक्ट हो जाती है hmm. वो वाइब्रेशन आपकी बहुत अच्छी है थैंक यू थैंक यू सो मच मैम थैंक्स फॉर बीइंग ऑन थैंक्स मजा आ गया मुझे भी Done.